कि दोस्तों, ई लर्निंग विद दुर्गेश चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आपका भाषा और उद्भव, भाषा का उद्भव और विकास मैं पढ़ा दी थी, वर्णमाला पढ़ा दी हूँ, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, शब्द भेद पढ़ा दी थी। और आपको अगर कहीं भी मेरे वीडियो में दिक्कत होती है तो ये जान लीजिए, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तभी मैं समझ पाऊँगी और तभी अपने अंदर सुधार कर पाऊंगी। और ये देखिए, आज आप लोगों को पढ़ाना है संज्ञा। क्या पढ़ाना है? संज्ञा। और संज्ञा आप जान लीजिए कि बहुत दिनों से कक्षा 5, 6, 7, 8 जो भी पढ़े होंगे, चाहे वो हिंदी भाषा, हिंदी मीडियम से हो, चाहे अंग्रेजी मीडियम से हो, सब पढ़ते होंगे। लेकिन थ्योरी पढ़ना सबके बस की बात होती, वो कहाँ से प्रश्न बनाता है, किस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस है, तो ये मुश्किल हो जाता सबके लिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्या पढ़ना है आप लोगों को। संज्ञा क्या पढ़ना है? संज्ञा, ये जानते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये सब लोग जानते हैं। और यहाँ देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। क्या होता है? नाम। संज्ञा को अंग्रेजी में आप नाउन कहते हैं। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्तियां हैं, जो चाहे जो भी है दुनिया में, A to Z जो कोई है, अगर उसका नाम ले लिए तो हम क्या कहते हैं उसे? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि संज्ञा को और किस नाम से जाना जाता है। तो जब हम विशेषण पढ़ते हैं, आपके हिंदी व्याकरण की टॉपिक एक होती है विशेषण, अलंकार, वाक्य, ये सब है, मैं क्रम वाइज आपको सब पढ़ाऊंगी। तो ये संज्ञा का जो है, संज्ञा का अन्य नाम कौन होता है? जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो इसी संज्ञा का नाम वहाँ क्या होता है? विशेष्य। क्या होता है? विशेष। यानी वाक्य में जो संज्ञा शब्द आएगा वही आपका क्या वहां जाना जाएगा? विशेष। इसी संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? विशेष है। जैसे आप अलंकार पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते समय इसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। और जब हिंदी टॉपिक या किसी भी में पढ़ना होता है हमें वाक्य, क्या पढ़ना होता है? वाक्य। वर्णमाला पढ़ाते समय आप सभी लोगों को मैं बताई थी कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब दो या दो से अधिक वर्ण मिलेंगे तो आपके शब्द बनेंगे, दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तो आपका वाक्यांश बनेगा, कई वाक्यांश मिलेगा तो आपका अनुच्छेद बनेगा, कई अनुच्छेद मिलेंगे तो एक पैराग्राफ एक पाठ बनेगा, कई पाठ मिलकर एक किताब की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वाक्य में संज्ञा का क्या नाम होता है? वाक्य में संज्ञा का नाम उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है। अब यहाँ ये मत देखना वाक्य में कि उद्देश्य का मतलब टारगेट, उद्देश्य का मतलब टारगेट भी होता है, लेकिन इस उद्देश्य को जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो उस वाक्य में संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। क्या होते हैं? दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जब वाक्य पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ उद्देश्य जो होता है संज्ञा को कहते हैं, और विधेय जो होता है संज्ञा के बारे में जो कुछ हम कहते हैं उसे ही हम विधेय कहते हैं। बात समझ में आई? संज्ञा का एक नाम होता है विशेष, दूसरा उपमेय और तीसरा उद्देश्य, और संज्ञा का नाम संज्ञा भी है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं किसी का नाम आप ले लिए तो क्या कहलाएगा वो? संज्ञा। अगर आपसे ये पूछे कि रचना या उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा जाता है या संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 3। कितना उत्तर होना चाहिए? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक,
नंबर तीन होता है भाववाचक। क्या होता है? भाववाचक। अगर आपसे पूछे कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं या संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं। नंबर एक व्यक्तिवाचक, नंबर दो जातिवाचक, नंबर तीन भाववाचक। यदि आपसे ये पूछे कि संज्ञा सामान्य रूप से कितने प्रकार की होती है या संज्ञा के मुख्यतः या मुख्य रूप नहीं दिया हो प्रश्न में, यदि आपसे पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए पाँच। क्या करेंगे आप? पाँच। क्या होता है? पाँच। ठीक। अब देखिए, सामान्य रूप से पांच प्रकार ये संज्ञा के होते हैं, मुख्य रूप से तो तीन हो गए। इसी जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है समूहवाचक, नंबर दो होता है, इसी को पदार्थवाचक भी कहते हैं। दिखाई दे रहा है? यहाँ लिख देते हैं समूहवाचक या पदार्थवाचक। क्या होता है? पदार्थवाचक। अब नंबर पांच क्या होता है? सॉरी, समूहवाचक या समुदायवाचक। अब ये अगला क्या होता है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। देखिए, संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसी जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। या आपको ऐसे पूछे कि किस संज्ञा के दो प्रकार होते हैं या जातिवाचक संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए पाँच। कितना होना चाहिए? पाँच। नंबर जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक, चाहे आप इसे समूहवाचक कहिए चाहे समुदायवाचक कहिए। और नंबर पांचवा जो होता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, दोनों में से आप कोई किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो ये देखते हैं, आइए एक एक करके अब देखते हैं कि किसको कहते हैं व्यक्तिवाचक और किसे कहते हैं भाववाचक, किसे कहते हैं जातिवाचक, किसे कहते हैं समुदायवाचक या समूहवाचक। ठीक। तो ये देखिए, यहाँ क्या दिया है? व्यक्तिवाचक। वाचक का मतलब होता है बोध होना। जब किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का विशेष रूप से नाम लिया जाता है या जो हमारे लिए विशेष होता है, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। जैसे राष्ट्रीय नदी क्या होती है? गंगा। क्या होती है? गंगा। राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। क्या है? जलेबी। हम यहां कह दें रामायण, महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। और संस्कृत भाषा में सबसे पुराना ग्रंथ या आदि ग्रंथ रामायण है। संस्कृत भाषा में महाभारत भी लिखा गया, लेकिन रामायण सबसे पहले लिखा गया। ठीक। ये देखिए, अब इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में गंगा हो गई, आम हो गया, जलेबी हो गई, रामायण हो गया और महाभारत हो गया इत्यादि इत्यादि और आदि। आप सभी लोग जानते होंगे कि इत्यादि और आदि में कहाँ लगाया जाता है इत्यादि और कहाँ लगाया जाता है आदि। इत्यादि में यड़ संधि है इति धन आदि। इति मतलब ऐसा, आदि मतलब समाप्त। तो अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा जितने भी होते हैं, जितने भी शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, टोटल यानी कुल शब्दों का नाम हम यहाँ लिख लेते, कोई एक भी नहीं बचता, तो यहाँ हम इस शब्द के पीछे हम क्या लगाते? आदि लगाते। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ क्या लगाते हैं? आदि। अब यहाँ इत्यादि का मतलब ऐसा और भी शब्द हो सकता है या ऐसा और भी शब्द है। आइए नंबर दो पर आते हैं। नंबर दो जातिवाचक संज्ञा। यहाँ देख रहे हैं जाति, यहाँ कैटेगरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ समूह की बात हो रही है कि ऐसे शब्द
जिनका नाम लेने से उसके पूरी प्रजाति का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहें किताब, क्या कहें? किताब। किताब कहेंगे तो किताब में जितनी भी किताबें होती हैं, जितनी भी कापियां होती हैं, या किताब से संबंधी जितने भी शब्द होते हैं, वो सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। क्योंकि एक ही शब्द का नाम लिए किताब, तो किताब के सारी प्रजाति का बोध हो गया कि किताब शब्द कहते ही जातिवाचक संज्ञा होगा। अब जैसे इन किताबों में से हम एक किताब का नाम ले लिए गणित की किताब, गणित की किताब, विज्ञान की किताब, सामाजिक विज्ञान की किताब, गृह विज्ञान की किताब, आपका जो इसकी प्रजाति का बोध हो रहा है कि किस सब्जेक्ट या किस विषय की बात कह रही है या कह रहा, यहाँ शब्द कह रहा है कि हम किस जाति के हैं, तो जातिवाचक। ये नहीं कि यादव ठाकुर ऐसा सब ऐसा जाति नहीं, ये आपको शब्दों के माध्यम से ये जानना होगा कि यह शब्द में कौन सी जाति है। यहाँ जाति का मतलब समूह होता है। किसी एक व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध न करा के पूरी जाति का बोध जिन शब्दों से होता है, वही शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक। अब किताब तो रामायण भी है और महाभारत भी है, कुरान भी है। आप सभी लोग जानते हैं कि इन किताबों में से, किताब शब्द में से एक किताब रामायण भी है, लेकिन आप जानते हैं कि रामायण हमारे लिए विशेष है, महाभारत हमारे लिए विशेष है, ये सब हमारे महाग्रंथ हैं, ये हमारा विशेष है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। राष्ट्रीय आम, राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। अगर राष्ट्रीय जीव की बात करता है तो डॉल्फिन होगा, राष्ट्रीय पशु का पशु की बात करता है तो चीता होगा, अगर चिन्ह की बात करता है तो अशोक स्तंभ होगा। आप ये जानते रहिए कि जो हमारे लिए विशेष होगा उन सब को हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? व्यक्तिवाचक श्रेणी में। जैसे हम नाम लेते हैं राम, गंगा, मोहन, सोहन, रोहन, रीता, गीता, चाहे किसी का भी नाम ले लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी जो हमारे लिए विशेष है उसे हम किसकी संज्ञा में रखते हैं? क्या संज्ञा देते हैं उसे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे देते हैं, या व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में उसे रखते हैं। अगर मेरी बात किसी को समझ में नहीं आती है तो कृपया वो कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताइए। यदि आपको चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर आप डिसलाइक करते हैं तो कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर आपको मिली होंगी कि इस कारण से आप चैनल को नहीं देख रहे हैं, या मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, या मेरी बोली, या मेरे पढ़ाने में कोई त्रुटियां हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, कोई भी हो, A to Z, मैं सबकी बात कही, अगर कोई भी होगा, किसी को परफेक्ट ज्ञान नहीं होता है, पूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं होता है। यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी सब लोग जी लेते हैं, लेकिन मौत कैसे आती है इस किसी को पता नहीं होता है। जब हमें ये पता चलता है कि मौत इस तरह से हम सीख लिए कि मौत ऐसे ही आती है, तो ये जान लेते हैं, फिर हम बताने किसी को नहीं आते हैं। तो ये जानिए कि अगर मनुष्य के अंदर खामियां ना होती तो सागर की लहरों में सुनामियां ना होती। ठीक। तो दोस्तों, अगर डिसलाइक करिएगा तो आप कारण ज़रूर भेजिएगा, तो मैं अपने अंदर सुधार करूँगी। लेकिन जो पढ़ाता है, जो कुछ कहता है या किसी को समझाता है, उसे अपनी कमी, अपनी त्रुटि समझ में नहीं आती है। कृपया आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप डिसलाइक करते हैं तो आप ये कारण ज़रूर बताइएगा। बताने के लिए धन्यवाद। ठीक। आइए देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा में जैसे हमने कहा नदी, क्या कहा? नदी। आइए इसे मिटा देते हैं, हम एक एक करके समझते हैं। हम क्या शब्द लेते हैं? नदी। क्या लेते हैं? नदी। तो नदियां तो बहुत सारी हैं, और ये जानते रहिए कि नदियों में सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु,
इन तीनों नदियों को छोड़कर बाकी सभी नदियां स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती हैं। नदियां तो बहुत सारी होती हैं। अब नदी शब्द कहने से ही पूरी नदियों का बोध हो जाता है। अब हमने इस नदी में से गंगा भी एक नदी है, लेकिन यह हमारे लिए विशेष है। यह राष्ट्रीय नदी बनाई गई और सबसे इसे स्वच्छ करने का भारत फैसला लिया है कि गंगा को हम साफ सुथरी नदी बनाएंगे। क्यों? इसलिए जब हम राष्ट्रीय नदी इसको मानते हैं तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व तो है कि हम इसे साफ और स्वच्छ रखें। नदी हम नाम ले लिए तो उसमें गंगा विशेष है, लेकिन अगर हम यमुना कहेंगे कि यमुना शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यमुना शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता। बात समझ में आई? जैसे हम यहाँ कहेंगे सोन, तोस, वरुणा, पीली, सई, कोई भी नदी ले लीजिए, सरस्वती, भागीरथी, गंगा का ही नाम है, कोई भी नदी ले लीजिए आप, किसी नदियों में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। या कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। नदी शब्द कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा होगी, चाहे यमुना कहिए चाहे सोन, कोई भी नदी का नाम ले लीजिए, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन शर्त यह है कि गंगा नदी या जो हमारे लिए विशेष है वह किसकी श्रेणी में रखा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक। जैसे हमने कहा पर्वत, क्या कहा? पर्वत। पर्वतों में से किसी एक पर्वत का नाम ले लिए, मान लीजिए कैलाश पर्वत, कोई भी पर्वत होगा, अगर नाम ले लिए तो भी आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगर पर्वत शब्द कहेंगे तो भी जातिवाचक संज्ञा। ठीक। बच्चे, बच्चे का मतलब आप लड़का को भी बच्चे कह सकती हैं, छोटा बच्चा जो नवजात शिशु होता है उसे आप बच्चे कहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इसमें ये क्लियर नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है। अब बच्चे शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा होगा, लड़का में भी जातिवाचक संज्ञा होगा। लड़का में से किसी एक का नाम लेंगे, जैसे हमने कह दिया राम इधर आओ, लड़का इधर आओ, तो लड़का का मतलब कोई भी लड़का खड़ा हो जाए, अगर हम इसमें से ही कहें कोई लड़का खड़ा हो जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर किसी का नाम लिए कि सौरभ खड़े हो जाओ, मोहित खड़े हो जाओ, अमित खड़े हो जाओ, कोई भी लड़के का नाम ले लिए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और लड़का शब्द कहेंगे तो जातिवाचक शब्द संज्ञा होगी। इस तरह लड़की में भी जातिवाचक संज्ञा, पुरुष में भी जातिवाचक संज्ञा, स्त्री में भी जातिवाचक संज्ञा। देखिए इसे आप लोग स्त्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्त्री। इसे स्त्री नहीं पढ़ा जाता, इसे प्रेस के तो हम स्त्री कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रेस को स्त्री कहते हैं। लेकिन आप जब प्रेस लिखेंगे तो उसे आप विंदास बोलेंगे, स्त्री। ठीक। अगर आप महिला को बोल रहे हैं तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे? स्त्री। क्या कहेंगे? स्त्री। ठीक। जैसे सब लोग कहते हैं स्कूल, अस्कूल, तो उसका शुद्ध उच्चारण होता है स्कूल। क्या होता है? स्कूल। स्कूटर। तो आप जब भी दंत श या तालव्य श का उच्चारण करती हैं, इसलिए करती हैं, करते हैं, चाहे जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, यदि आप उच्चारण स्थान पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस श का उच्चारण कहाँ से होता है और इसका क्या नाम दिया गया या कैसे उच्चरित करते हैं। यही कारण है कि उच्चारण सही तरीके से न करने के कारण ही लोगों की वर्तनी गलत होती है। तो ये शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है समूहवाचक या समुदायवाचक, या समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। देखिए बहुत लोगों के मन में यह आया होगा कि इनकी ये लिखना सही नहीं है, लिख नहीं सही पाती है, लेकिन मैं टाइम विलंब नहीं करना चाहती हूँ, बोलती हूँ। एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है कि जब भी व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो वह हमेशा बोलते हुए शब्दों को लिखता है। जब बोलते हुए शब्दों को लिखता है तो देखने वाले, पढ़ने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को ये समझ में आता है कि यह यही शब्द लिखा है। अब एक घंटा 5 मिनट में करके ऐसे लिखूंगी कि समूह वाचक, तो मैं इसी सजाने में ही रह जाऊंगी। इसका क्या मतलब है?
समूहवाचक संज्ञा, इतना सही लिखती हूँ कि सब लोगों के समझ में आ जाता है। समूह और समुदाय का मतलब होता है भीड़। क्या होता है? भीड़। समूह का मतलब और समुदाय में सूक्ष्म अंतर होता है, जैसे श्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं ना, जैसे आपको यहाँ दे दिया अवधि, क्या दे दिया? अवधि। यहाँ दे दिया अवधि, तो क्या बदला है? क्या बदला है? अवधि, छोटी की मात्रा इसमें है और इसमें बड़ी की मात्रा है। तो जब छोटी की मात्रा इसमें लगी और इसमें बड़ी की मात्रा लगी तो दोनों का अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। अवधि का मतलब होता है समय। अवधि आपकी भाषा और बोली भी है। क्या है? भाषा भी है और बोली भी है। ठीक, तो यही होता है कि समूह और समुदाय में अंतर है। समूह का मतलब होता है कुछ लोगों को मिलाकर, जैसे एक लोग हिंदू का हो, हिंदू वाले हो गए, हिंदू जाति के हो गए, एक मुस्लिम जाति के हो गए, एक सिख जाति के हो गए, किसी भी धर्म के हो गए या जाति के हो गए, तो कुछ लोगों को मिलाकर, जैसे एक कक्षा है, कुछ लोगों को मिलाकर कक्षा ही हमारे किस में आती है? कक्षा किस में आती है? संज्ञा के किस भेद में आएगी कक्षा, बताइए? संज्ञा के किस भेद में आती है कक्षा? ये समूह में आती, क्योंकि सब लोगों का यहाँ भीड़ है, एक से अधिक लोग हैं, तो यहाँ क्या होगा? समूहवाचक। तो कुछ लोगों को मिलाकर समूह बनाया जाता है और कई समूहों को मिलाकर समुदाय बनाया जाता है। जैसे जहाँ भी जिन शब्दों के द्वारा आपको भीड़ का बोध हो जाता है वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे परिवार, क्या होता है? परिवार। परिवार में चाहे भले ही माता पिता उनका एक बच्चा हो, लेकिन परिवार शब्द ही होता है कि ज्यादा लोगों का बोध कराता है। और किसी किसी परिवार में परिवार भी कई प्रकार का होता है, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, एकाकी परिवार, तो परिवार भी कई प्रकार का होता है। लेकिन अब परिवार शब्द में हमें ये देखना है कि कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक कहिए या समुदायवाचक कहिए। आप कह दिए बाजार, क्या कह दिए? बाजार। ये नुक्ता है, अरबी भाषा का ये शब्द है, आप जब भी लिखेंगे BAZAR बाजार अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। और आप इसी बाजार को मार्केट भी अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। ठीक, तो ये बाजार का मतलब, बाजार में एक दो लोग होते नहीं है, भीड़ होता है, भीड़ होती है, और मेला में भी भीड़ होती है आप देखते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा भीड़ का बोध हो जाता है उसे हम समूह या समुदाय वाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। जैसे सेना, सेना का मतलब एक लोग नहीं, सेना का मतलब पूरा समूह ही। सेना भी आपके तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ये सेना तीन प्रकार की होती है, लेकिन सेना शब्द से ही आपको भीड़ का बोध होता है। यदि आपको सेना पूछ रहा है प्रश्न में, कहे कि सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन दे दे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, इनमें से कोई नहीं, तब आपका उत्तर क्या होगा? जातिवाचक। क्योंकि सेना शब्द के भी तीन प्रकार होते हैं, या सेना को तीन भागों में बांटा गया है। वायु सेना जो लोग हवा में काम करते हैं, थल सेना जो लोग पृथ्वी पर रहते हैं, जल सेना जो लोग जल के अंदर रहते हैं, उन्हें हम जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीन भागों में बांटते हैं। अगर सेना शब्द को पूछता है प्रश्न में कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक दिया है तो समूहवाचक, यदि समूहवाचक नहीं दिया तो सेना शब्द में जातिवाचक संज्ञा भी हो सकती है और होती है। ठीक, सेना हो गई। जैसे एक शब्द होता है घुड़सवार, क्या है? घुड़सवार। अब घुड़सवार तो आपको एक वचन का शब्द लग रहा है, लेकिन इतना जानते रहिए कि यदि घुड़सवार में संज्ञा पूछेगी या पूछेगा, सॉरी, तो कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी।
तो घुड़सवार का मतलब जब राजा आप देखते होंगे फिल्मों में या आप ऐसे भी पढ़े होंगे कहानी कथा कि राजा घुड़सवारी लेकर निकल पड़े, तो राजा कभी अकेला नहीं जाता था, जब भी जाता था या जब भी जाता है तो कितने समूहों के साथ जाता है, सभी लोग जाते हैं, प्रजा राजा सब लोग जाते हैं, तो उसी का नाम क्या दिया गया, घुड़सवार। और इस घुड़सवार शब्द में समूह वाचक संज्ञा है। ठीक, आइए देखते हैं समूहवाचक के बाद आता है द्रव्यवाचक। कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को कहीं कहीं आपको देगा कि कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है, ऑप्शन दे दिया, नंबर एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और द्रववाचक। तो द्रववाचक इसका प्रकार संज्ञा का नहीं होता है, यह द्रव्य का एक प्रकार क्या होता है, द्रव। आप जानते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो जिसमें वस्तुओं की तीनों अवस्थाएं समाहित होती हैं उसे ही हम द्रव्य कहते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसमें वस्तु की जिसमें तीनों अवस्थाएं समाहित होती हैं उसे ही हम द्रव्य कहते हैं, और लिक्विड यानी तरल पदार्थ जितने भी होते हैं, पेय पदार्थ जितने भी होते हैं उसे ही हम द्रववाचक कहते हैं। द्रववाचक में जैसे आपका आ गया पानी, तेल, घी, जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, दूध, और पेय पदार्थ ले लीजिए, जितने भी तरल चीज़ें होती हैं, जितनी भी द्रव वस्तुओं को, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं सबको क्या कहा जाता है, द्रववाचक कहा जाता है। और यही जो ये सब पेय पदार्थ यानी तरल पदार्थ भी किसमें आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिन शब्दों के द्वारा उस पदार्थ या सामग्री का बोध होता है। सामग्री शुद्ध वर्तनी के लिए पूछता है मित्रों, तो सामग्री होता है ना कि सामग्री, या शुद्ध होता है सामग्री। मैं आपको ये बताई थी कि ये जो वर्णों के बीच हम लगाते हैं ये पदेन र होता है। क्या होता है? पदेन र होता है। आप वर्णमाला पढ़े होंगे तो ये ऐसा कोई वर्ण देखे थे नहीं ना, तो आपका ग में क्या लगा है, र, ये आपका आधा द और ये क्या है, या। तो सामग्री इस तरह शुद्ध लिखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जिस ऐसी ऐसे सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन वाचक संज्ञा कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाल, बाल से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। गांव में गुब्बारा बेचने आता है कि नहीं आता है? बाल से आता है ना, तो बाल से भी बहुत सारी चीज़ें, भेड़, हमारा ही बाल नहीं, किसी भी जीव जंतु का बाल, जैसे भेड़ के बाल से कंबल बनाया जाता है, दरी बनाई जाती है, तो बाल भी कौन सी संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। लकड़ी, लकड़ी से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। धातुएं, सभी धातुएं क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। मिट्टी, ऊन, ऊन से भी स्वेटर, कंबल, साल सब कुछ बनाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ या सामग्री का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है, जैसे गेहूं से भी आपका मैदा, सूजी, दलिया सब कुछ बनता है, उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बारी आती है लास्ट वाला यानी अंतिम संज्ञा। कौन सी संज्ञा? अंतिम संज्ञा जिसका नाम होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे भाववाचक संज्ञा, अब देखिए कहते हैं ना गांव में, या फिर ऐसे ही लोग बोलते हैं कि हमसे ना बोला था इन, बड़ी भाव खाते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना, बहुत भाव खाते हैं। तो भाव का मतलब जो चेहरे का हाव भाव हो, जिससे हम किसी के भाव का या मन की बात को हम जान लेते हैं उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिन शब्दों के द्वारा किसी के गुण, दशा, दोष, भाव आदि का बोध होता है उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये आपका दिया है मानव, सॉरी क्या दिया है, मानव।
अब मानव शब्द से यदि आपको पूछे कि भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, तो मानव में आप त प्रत्यय जोड़ देंगे तो कौन सी संज्ञा हो गई? मानवता। कौन सी संज्ञा? मानवता। ऊंचा शब्द आपका विशेषण है, ऊंचा में ई प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो गया? ऊंचाई। ये इसको आप महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत ऊंचाई पर है, झूला बहुत ऊंचाई पर है। जिन शब्दों के द्वारा आपके किसी के भाव गुण दशा दोष आदि का बोध होता है उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बहुत नीचे, नीचे में आप ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नीचाई। क्या हो जाएगा? नीचाई। नीचा, नीचे में क्या हो जाएगा? नीचाई। उतरना क्रिया है, अब उतरना में आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो गया? उतराई। चढ़ना में चढ़ मूल शब्द है, आई प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो गया? चढ़ाई। क्या हो गया? चढ़ाई। और आपको यदि पूछता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, या इन शब्दों से एक आपको जातिवाचक संज्ञा दे देगा, जैसे हमने कहा बुढ़ापा। क्या कहा? बुढ़ापा। तो वो बिल्ला लेकर थोड़ी टहलते हैं कि हम बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए। एक अवस्था बनाई गई है कि जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। उनके भाव से ही, देखने से ही आप पहचान लेंगे कि यह किस अवस्था में है, तो बुढ़ापे अवस्था में है। आप क्रोध, क्रोध देखे हैं, आंखें लाल लाल बड़ी बड़ी, क्या आप बुढ़ापा जो होता उसे आप टच कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे शब्द जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो उसे देख सकते हैं, ना तो उसे हम छू सकते हैं, वही क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध शब्द क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है। अब आपको यहाँ स्त्री जातिवाचक संज्ञा दे दिया, अब स्त्री से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आपको अगर कहे तो प्रत्यय आप जोड़ देंगे। लाल शब्द विशेषण है, लाल में ईमा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन गया? लालिमा। आपके चेहरे पर लालिमा छाई है, या सूर्य लालिमा छा दिया, या सूर्य में लालिमा दिख गई, तो लालिमा शब्द लाल विशेषण से बना, ईमा प्रत्यय जोड़ दिए तो भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक। जैसे यहाँ जातिवाचक संज्ञा आपको दे दिया पुरुष। क्या दे दिया? पुरुष। पुरुष में आप तो आप प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये आपकी कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। तो क्या बन गया? पुरुषत्व। यहाँ मानव आपको दे दिया, त प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन गया? मानवता। लेकिन इसी मानव शब्द से यदि आपको विशेषण बनाने के लिए कहे तो आप कौन सा प्रत्यय जोड़ोगे? ईय प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा? मानवीय। क्या बन गया? मानवीय। यदि कोई अव्यय शब्द दे दिया, कोई भी शब्द दे दिया, जैसे अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है मैं आगे चलकर पढ़ाऊंगी अपनी अगली वीडियो में। यदि मेरी वीडियो आप लोग देखते रहेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं हवा पानी बनाती, लेकिन इतना विश्वास दिलाऊंगी कि आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो आप उसमें जान लीजिए 30 प्रश्न बनाया है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये यूपी टेट है, 30 प्रश्न बनाया है तो 25 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया है, 25 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया है। अगर शिक्षण पूछ दिया तो शिक्षण में मेरी कोई गति नहीं होती है। अगर आप सभी लोग नहीं जान रहे तो ये जान लीजिए कि मैं बीएड प्रथम सेमेस्टर में अभी प्रवेश ली हूँ, शिक्षण में मेरी कोई गति नहीं है, ना तो मुझे शिक्षण का कोई नॉलेज है, ना तो मुझे कोई जानकारी है। हाँ, व्याकरण आप जितना कहोगे, जहाँ से पूछोगे मैं वहाँ से बता सकती हूँ, जो आप कहेंगे मैं समझा सकती हूँ, लेकिन शिक्षण मुझे नहीं आता है। ठीक। आपको दे दिया दूर। दूर शब्द क्या है? अव्यय है। अव्यय हम उसे कहते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर अपना शब्द परिवर्तित ही नहीं करे, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। जैसे दूर क्या है? चाहे वह लड़का के लिए लगाइए, चाहे लड़की के लिए, सीता बहुत दूर खड़ी है। तो दूर सीता के लिए भी हुआ, राम बहुत दूर खड़ा है, ऐसा तो नहीं है सीता के लिए हम कहेंगे दूरी स्त्रीलिंग है कि सीता बहुत दूरी खड़ी है, नहीं। अगर कहेंगे भी तो हम यूँ ऐसा कहेंगे कि सीता अभी बहुत दूरी पर है, राम अभी बहुत दूरी पर है। तो दूरी शब्द क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। जैसे हम कहेंगे चलिए वहाँ तक पैदल चलना है, आपको वाजिदपुर तिराहे तक पैदल चलना है, तो आप लोग क्या कहेंगे?
कि बहुत दूरी है, हम नहीं जा पाएंगे, तो आप अंदर अंदर महसूस कर रहे हैं कि बहुत दूरी है, मेरा पैर दर्द करने लगेगा, तो जिन शब्दों को देखने से पढ़ने से आपके अंदर भाव उठता है वही हम क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, आप लोग पढ़ते रहिए और जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आता प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। जो जो एग्ज़ाम आपको देना है, चाहे वो SSC हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, आपको जो जो एग्ज़ाम देना है, जो कोई भी देना हो, आपको जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप फ़ोन करके पूछ सकती हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, या आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो आप मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं, फ़ोटो खींच कर भेज सकते हैं, मुझे टाइम मिलेगी तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी। टाइम मिलेगी का मतलब अब दिन भर व्यस्त रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो हमेशा देख नहीं पाएंगे, जब भी देखेंगे तो आपका उत्तर हम ज़रूर देंगे। ठीक, कोशिश यही रहेगी। तो ये आपका था संज्ञा। जैसे आपको प्रश्न पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, विशेषण कितने प्रकार का होता है, अव्यय कितने प्रकार का होता है, वाक्य कितने प्रकार का होता है, ऐसा प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता, अलंकार कितने प्रकार का होता है, रस कितने प्रकार का होता है, या उन सभी का रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर टॉपिक से बनाता है, कौन इसके प्रणेता है, किसने लिखा, कौन इसका नाम लिया। तो देख आइए देखते हैं, सपा आचार विचार छह सौ, ये क्या होता है, ये ट्रिक है दोस्तों, क्या है ये ट्रिक है, स से हो गया संज्ञा, कितने प्रकार की, प से हो गया पांच, संज्ञा कितने प्रकार की है, पांच प्रकार की हो गया। ये होता अ से अव्यय, अव्यय हिंदी व्याकरण का एक पाठ है, तो अव्यय, अव्यय कितने प्रकार का, चार। वि से हो गया विशेषण, विशेषण कितने प्रकार का, चार, कितने प्रकार का, चार। ये सब से सर्वनाम क्या होगा, सर्वनाम, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, छह। ठीक, ये ट्रिक है, संज्ञा पांच प्रकार की, अव्यय चार प्रकार का, विशेषण चार प्रकार का, सर्वनाम छह प्रकार का। मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी सर्वनाम, धीरे धीरे ऐसे करके आपको वीडियो अपलोड करवाती रहूंगी, और आप सभी लोग हिंदी की बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपको और सब्जेक्ट अगर आपका वीक है, कमज़ोर है, तो आप उसमें मेहनत करिए, मैं इसमें आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी और थ्योरी भी पढ़ाऊंगी। तो अगर आप लोग नियमतः मेरी वीडियो देखते हैं तो ये जान लीजिए कि 100% का मतलब आपको व्याकरण से यदि कहीं से भी प्रश्न देता है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सबको मैं क्या करूं, सफल बनाऊं, ये मेरी दिली इच्छा है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।